तो कैसा लगा बर्फ को देखकर? बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ बहुत एंजॉय भी कर रही हूँ। किस तरीके से आप लोग बर्फबारी का एंजॉय करते हैं और पहाड़ी इलाके में खासकर क्योंकि यहाँ पर जनजीवन अर्थव्यस्त हो जाता है? इन्हीं में से घी सिद्धू है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं जिला शिमला के ननकड़ी तहसील में, जहाँ पर सुबह से लेकर हम बर्फबारी का मिजाज देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ चुकी है और हमारे साथ यहाँ पर गांव की एक महिला है। चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिंदी देवी है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे कि पहले के जमाने में बर्फबारी हुआ करती थी, कि बुजुर्गों से सुना है कि काफी बर्फबारी हुआ करती थी, तो आप बताएंगे विस्तार से कि पहले के जमाने में किस तरीके से बर्फबारी हुआ करती थी और अब कैसा हाल बहुत है? बहुत बर्फ होती थी पहले। पहले बहुत बर्फ होती थी। चूल्हा होता था, आग लाते थे और ये क्या नाम, फिर खाने पीने तो बहुत सारे करते थे, खाने पीने के बकरे बुकरे भी काट लेते थे, खा लेते थे। और दिन में ये क्या नाम, जैसे औरतें सारे होती थी कटे उके और क्या खराई कुरी के काम भी कर देते थे, अपने दिन निकाल देते थे। बहुत सारा बर्फ पड़ते थे पहले के जमाने में। काफी बर्फ पड़ती थी। तो जैसे पहले के जमाने में काफी बर्फ पड़ती थी उन्होंने कहा, तो जो औरतें थी वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और साथ में और क्या क्या कार्य करते थे आप लोग मिलकर? और क्या करना था, ऊन होती थी। ऊन, हाँ, क्योंकि पहले के जमाने में भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा होती थी। भेड़ बकरी होती थी, जोड़ी लानी सब कुछ करना था, बस के बीच हम सारा काम करते थे जी। और सारा ये मैं जैसे समाज में चला ऐसे ही करते थे हम जी। तो मैंने पहले के जमाने के बुजुर्गों से भी सुना है कि आप लोग कथाएं और गाने भी खूब गाया करते थे। कथा लगाते थे रात को दो दो चार चार घंटे में बैठते थे जी, क्योंकि मनोरंजन का कोई संसाधन नहीं होता था उस टाइम, टीवी और रेडियो कोई भी नहीं, कुछ भी चीज नहीं होती और इस वजह से आप लोग गाते थे। तो कुछ हमारे दर्शकों को भी कुछ कथाएं और गाने सुनाइए जो आपको याद है, जो पहले के जमाने में आप सुना करते थे। क्या ऐसे रामायण लगाते थे, क्या नाम, दो पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। सिया राने किंद्रे साले गेरणिया, सिया राने किंद्रे साले। अच्छा, तो ये रामायण के पार्ट से लिया गया है और बहुत बढ़िया। और क्या ऐसा खाना था ट्रेडिशनल फूड जो पहले के जमाने में बनाया करते थे और अब के जमाने में बहुत कम देखने को मिलता है? हाँ, जैसे कि खाना, भोजन हमारे पहले इंद्रे बोलते थे, अपनी भाषा में इंद्रे बनाते थे, सिद्धू बनाते थे और माँ की छिलोड़ी बनाते थे और सब कुछ जैसे समाज में चालू होता ना, आज अपना होता तो बहुत सारा वही बनाते थे पहले खाने के लिए। तो अब भी ये चल रहा है क्या, अभी भी आप इसे बनाते हैं या फिर ये अगर होते तो बना लेते हैं अभी भी जी? अगर अभी भी अनाज होता है तो अभी भी बना लेते हैं। तो मक्के की रोटी बनाया करते थे और जो कुलथ की दाल होती है उससे एक बहुत ही सुंदर जो फूड यहाँ पर बनाया जाता है पहाड़ों में वो भी बनाया करते थे। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अगले लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं लोग। बहुत ही तेज तादाद में बर्फबारी का मिजाज जारी है और स्नोफ्लेक्स पड़ रहे हैं और अभी भी आप देख रहे हैं हमारे बीच, इन बर्फ के बीच हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची भी मौजूद है। तो चलिए पूछते हैं किस तरीके से बर्फ का आनंद लिया जा रहा है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम एनी और मैं सुंदरनगर की रहने वाली। आप सुंदरनगर के रहने वाले हैं, तो सुंदरनगर वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरा यहाँ नानी का घर है तो मैं आई। अच्छा, आपके नानी का घर है, तो आपने बर्फबारी यहाँ पर पहली बार देखी या फिर सुंदरनगर में भी बर्फबारी होती है? मैंने यहाँ पहली बार देखी, सुंदरनगर में नहीं होती। सुंदरनगर में नहीं होती है। तो कैसा लगा बर्फ को देखकर? बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ। ओके, इंजॉय भी कर रहे हो, तो आगे क्या करने वाले हो? आगे मैं एक स्नोमैन बनाऊंगी जब थोड़ी ज्यादा हो जाएगी बर्फ। ओके, जब ज्यादा बर्फ हो जाएगी तो बच्चे स्नोमैन बनाएंगे। और एनी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? एंजॉय स्नोफॉल। एंजॉय स्नोफॉल।
तो चलिए मजा ले रहे हैं हम सभी बर्फबारी का, और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, तो अपना नाम बताइए। शशि ठाकुर जी। शशि जी, तो किस तरीके से आपके इलाके में बर्फबारी पड़ रही है, कब से ये बर्फबारी का दौर जारी है? वैसे तो मॉर्निंग से है, अभी कुछ टाइम से कुछ ज्यादा हो गया है, बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो कितना समय हो चुका है बर्फबारी को चलते हुए और कितना फीट बर्फ पड़ चुकी है? ये सुबह करीब 5 बजे से शुरू हो गई है और आई थिंक आधा 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 फीट तो है। ओके, आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। और किस तरीके से आप लोग बर्फबारी का एंजॉय करते हैं, और पहाड़ी इलाके में खासकर, क्योंकि यहाँ पर जनजीवन अर्थव्यस्त हो जाता है, तो किस तरीके से आनंद लेते हैं? मैं लकड़ी पहले ही इकट्ठी कर देती हूं, जैसे पता चल जाता है कि मौसम खराब हो रहा है। खान पीन का तो सेम कुछ बनाते ही है। ओके, कुछ नई डिशेज जैसे सिड्डू घी हो गया। तो जो ये स्पेशल डिशेस है, इनको बनाने का क्या मतलब कि गर्मी दे शरीर को, या फिर बस ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए ये बनाया जाता है? ये गर्मी भी देता है शरीर को, जैसे घी कहते हैं कि घी गर्म होता है, तो गर्मी भी देता है, एंजॉयमेंट में भी बना लेता है। ओके, तो क्या स्पेशल डिशेज जो आपके पहाड़ों में बनाते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्या एक खास चीज जो पहाड़ों में बनाई जाती है लेकिन आमतौर पर कहीं और देखने को नहीं मिलती? ये इन्हीं में से एक, ये घी सिड्डू है, और एक क्या कहते हैं हमारी भाषा में उसको, इंद्रजी कहते हैं, जो राजमा चावल के साथ खाए जाते हैं। जी, तो हमारे साथ एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो नाना जी, आप अपनी उम्र बताइए और अपना नाम बताइए। हमारा उम्र 90 साल, कोई 100 साल होगी। अच्छा, तो आपकी, आपको अपनी उम्र नहीं पता, लेकिन मेरे को कोई पता 90 और 100 के बीच इनकी उम्र है। तो नाना जी, आप बताइए कि किस तरीके से पुराने जमाने में बर्फबारी हुआ करती थी और इस जमाने में कैसी बर्फबारी हुआ करती थी? इस साल जमाने में पिछले जमाने में नहीं पड़ी थी, जैसे इस साल पड़ी, इस बार काफी इस महीने में कभी नहीं बर्फ पड़ी थी जी, इस साल नहीं पड़ गई अभी। हाँ जी, जी बहुत बढ़ गई। और पहले के जमाने में जब आप बच्चे हुआ करते थे, छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस टाइम कैसी बर्फ पड़ती थी? यहाँ से जाते हम दौड़ते देखता था उसके चौपू से जी 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 तब जो जी आपका अब ऐसा जमाना नहीं रहा जैसे पहले जमाना हुआ करता था। तो आप उस टाइम क्या खाया बनाया करते थे सर्दियों में स्पेशली? सर्दियों में खाने पर क्या मीट बकरे कटते थे बहुत, जिसके किसी के जो बकरे कटते थे फिर बनाते थे वो, आम आदमी का बचका नहीं था ना। तो आपके पास भी कितने बकरे हुआ करते थे उस जमाने में? हमारे पास बहुत, हमारे खान हमने किन्ने पहले दीदी राम ने चुकाई बकरी, फिर चैन राम ने चुकाई, फिर चैन ने चुकाई, तीन बहुत दिन टप गया जी। तो आपके पास अभी कितनी बकरियां हैं? अब खत्म नहीं है, अब खत्म नहीं है आपके पास। तो किस तरीके का आपका रहन सहन हुआ करता था पहले के जमाने में? पहले ठीक होते, आपने ठीक अपने माहौल बकरी बड़ी कंडा मिल जाएगी, कंडा लेके मरा लेने का होगा। हाँ जी, जहाँ फूल मिलते ना वो निचल, तो वहाँ मिलते थे। मैं भी गया ना, अभी की निचल है मुझे, जैसे मेरी बकरी थी वो फाल भाई मर गया, उनने क्या कि मेरी सही चाहिए अभी, तब मैंने लेगी बकरी। ओके ओके, तो लाइक ने यार बोली बकरी खत्म हो जानी, बोले मर जाए बिलास मरी जब तो आ गई, तब जैसे और फाल नहीं जाते थे कि ये चैन जाएगा हर फाल के साथ, पैसे के लिए नहीं होगी और खट पट पी कराएगा खा भी समझ लेगा। तो आपका जमाना सही, हाँ अब वो जमाना वैसा नहीं रहा है। तो उस टाइम आप ऊन के क्या क्या बनाया करते थे, जैसे ऊन होती थी बकरियों की? ऊन पर ये कैचे बनने, कोट बनने, ये बनने बेड़ी के, बेड़ी के बेड़ी खून के, ये बनते थे बकरी के ऊन के, ये बनते थे चादरी बनते थे, शॉल बनने थे। हाँ जी, शॉल वगैरह बनाया करते थे, लंगे बनानी जिसके कोट बनाने या धन्यवाद नाना जी हमारे साथ जुड़ने के। तो कैसा लगा बर्फ को देखकर? बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ बहुत एंजॉय भी कर रही हूँ। किस तरीके से आप लोग बर्फबारी का एंजॉय करते हैं, और पहाड़ी इलाके में खासकर, क्योंकि यहाँ पर जनजीवन अर्थव्यस्त हो जाता है? कोट बनने, बेडी के इन्हीं में से एक, ये घी सिड्डू है,